वाला बीते दिनों कांग्रेस ने अपने चार राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में अब कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना कराएगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मीडिया के सामने राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जिसे आप सुनकर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर ये बातें कही हैं वो एक बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना के साथ साथ भी आर्थिक जनगणना कराएंगे। इसको लेकर हम राहुल गांधी की पहले वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो क्या कुछ जातिगत जनगणना होगी, कुछ आपको वीडियो दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनैनिमसली लिया है, मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया, तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूँ? इंग्लिश में देयर इज अ वेरी बिग डिसीजन टेकन टुडे बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। यूनैनिमसली द वर्किंग कमेटी हैज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ए कास्ट सेंसस इन द कंट्री एंड आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, अ वेरी पावरफुल स्टेप फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द पुअर पीपल इन आवर कंट्री। वी ऑल्सो आपने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना होगी और अगर 2024 में हम सत्ता में आते हैं तो जातिगत जनगणना के साथ साथ हम आर्थिक जनगणना भी कराएंगे। हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस पार्टी अब जातिगत जनगणना कराएगी। कुछ ऐसी बातें राहुल गांधी ने कही, आइए हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं राहुल गांधी की जो उन्होंने की है। कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी को, बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हाँ जी मैडम। राहुल जी मैं पूनम, एक मिनट मैडम बोलिए। अच्छा, अगर आपका सवाल सुनिए अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से, उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज़। राहुल जी, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इधर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। आज से 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बज गया है, तो क्या ये माना जाए कि ये 5 राज्य जो हैं वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएँ? देखिए, ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट, ये केमिस्ट्री में चलते हैं, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी
और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। हाँ सुनील, हाँ सुनील, एक मिनट सुनील, देखिए देखिए, नहीं मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। सर, यू हर्ड द प्राइम मिनिस्टर इन हैदराबाद, यू नो, गिव हिज काउंटर टू द कास्ट सेंसस एंड अबाउट, यू नो, द राइट्स एंड व्हाट विल हैपन टू सदर्न स्टेट्स एंड द वेरियस थिंग। How do you view that? And also for the Karnataka Chief Minister, why doesn't he go ahead with the release of the caste census data? We are in discussions. We are very clear what our direction is. Those actions will be taken. I'll also let Siddaramaiah ji directly answer your question. So first let me ask him to. You haven't answered that. I'll come back to you. He's asking about caste census in Karnataka. Our previous government in Karnataka, that is the government, our Congress government was there between 2013 and 2018. Normally he doesn't need a mic. In 2014 and 15, we have entrusted this caste census and socio-economic survey of all communities to permanent backward class commission, aided by one Kantraj, then chairman of the commission. By the time our term is over, the report was not ready. When coalition government was there in Karnataka after 2018, the caste census report was ready, but the coalition government's chief minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. Now the report is laying with the permanent backward class commission. I requested now the present chairman, Mr. Jayaprakash Hegde, to submit the report to the government. If he submits the report, he will definitely receive the report. Based on census, caste census and socio-economic survey of all communities, particularly other backward communities. एक मिनट प्लीज, अरे एक मिनट रुक जाइए ना, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं राहुल जी, जवाब दे रहे हैं। ऑन द सी द प्राइम मिनिस्टर्स, या द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग अनकनेक्टेड स्टेटमेंट्स। What the caste census has to do with, representation of the South is very difficult to understand. Now, the problem is that the Prime Minister is incapable of doing the caste census. I'd like to point out something quite interesting. There are four, हमारे चार Chief Ministers हैं, चार में से तीन
ओबीसी वर्ग के हैं, बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, एक ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो यह तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं, उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। हाँ संजय, कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला रही है, ला के वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है। और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसीज की होनी चाहिए, दलितों को होनी की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है, सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने का है, देने की बात है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है, 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं, यह सच्चाई है, यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है, और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है। और आप देखना, डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी, एक दो सवाल और ले सकते हैं? हाँ, मौसमी। राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी। तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है।
इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50-60-70-80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे, ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा, और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। जी राहुल जी, आपने कास्ट सेंसस के बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात कही है, वो क्या इकोनॉमिक सर्वे स्टेट में भी होगा क्या, कांग्रेस रूल स्टेट में, एक चीज। और दूसरा, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि आपके पास जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो आप अनाउंस करेंगे अगर सरकार नहीं करती है तो। नहीं, तो मैंने ये नहीं बोला। देखिए हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। तो ये मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान की सरकार के पास कास्ट सेंसस का डेटा है, हिंदुस्तान की सरकार को उस डेटा को रिलीज कर देना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान की सरकार उस डेटा को नहीं रिलीज करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी पहले दिन हम उस डेटा को रिलीज कर देंगे। हाँ रवि, सवाल आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की, देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, मतलब इसका क्या कनेक्शन है। हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कनेक्शन क्या है। ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का, कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे, एक है। हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है, यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं।